हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ से कार्तिक जोशी। जैसे ही नया साल शुरू होता है तो नए नए इश्यूज स्टार्ट होते हैं। ऐसे आज के अगर देखा जाए तो कोरोना तो लास्ट ईयर से चल रहा है, पर अगर टैक्सेशन देखा जाए तो जब से स्टार्ट हुआ है तब से अब तक नए नए कॉम्प्लिकेशंस, नए नए क्वेश्चंस, नए नए क्वेरीज लेके हुए आता है। तो जैसे हम देखते हैं, अगर लास्ट ईयर एक प्रोविजन लॉन्च हुआ था सेक्शन 115 न्यू टैक्सेशन स्कीम, तो एक ओल्ड टैक्सेशन तो थी जिसके अंदर हम 0% से 0% टू 5%, 10% और 20% और 30% का स्लैब भरते थे। और उनके अंदर उन्होंने नई स्कीम लेके आई कि विदाउट टैक्सेशन बेनिफिट्स, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट बेनिफिट्स नहीं लेने हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट्स और कोई भी एटीजी का बेनिफिट्स नहीं लेना है, तो आपको न्यू टैक्सेशन स्कीम्स भी लॉन्च हो गई है। और जैसे ये लॉन्च होती है तो नया साल जैसे स्टार्ट हुआ है तो जैसे बहुत से सैलरीड क्लास के अंदर ये सब इश्यूज आ रहे हैं कि सर हम कौन सी स्कीम सिलेक्ट करें, वैसे हम न्यू स्कीम में जाए या ओल्ड स्कीम में जाए, तो उसके रिलेटेड ही आज का हमारा ये वीडियो है। स्टार्ट करते हैं ओल्ड स्कीम वर्सेस न्यू स्कीम। तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम का अगर टैक्स स्लैब देखते हैं तो वो क्या कहता है, हमें वो समझ लेते हैं। पहले 0 to 2.5 lakhs तक 0% टैक्स है, 2.5 lakhs से 5 lakhs 12,500 का टैक्स स्लैब है, 5 lakhs से 10 lakhs पे 20% का स्लैब है, 20% ऑन 5 lakhs, मतलब अगर 5 lakh से ऊपर आप अर्न कर रहे हो तो आपको 20% देना है जितना 5 lakhs के ऊपर आप क्रॉस करोगे उसका। और जैसे ही वो 10 lakhs की स्लैब तक पहुंच गए तो 10 lakhs से ऊपर जब जाओगे तो 30% आपको पे करना है 10 lakhs के ऊपर की इनकम पे। तो ये तो ओल्ड स्कीम थी जो सालों से चलती आ रही थी और इसमें मेजर चेंज नहीं था, और जिसके अंदर हम एटीसी के, 24D के जितने स्टैंडर्ड डिडक्शन सारे बेनिफिट्स भी ले रहे थे। उसके सामने गवर्नमेंट लेके आई न्यू स्कीम विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट्स बेनिफिट्स। वो क्या कहती है, 0 to 2.5 lakhs 0% टैक्स, 2.5 lakhs से 5 lakhs 12,500, 5 lakhs से 7.5 lakhs, अभी यहाँ क्या हुआ 5 lakhs से 10 lakhs पे 20% हो गया, पर यहाँ आप देखो तो 5 lakhs से 7.5 lakhs 2.5 lakh के रेंज पे उन्होंने 10% दिया, जबकि यहाँ 5 lakh से 10 lakh पे 20% स्ट्रेट हो गया था, 5 lakh से 7.5 lakh 10 lakh, अभी 7.5 से 10 गए तो फिर से 15% कर दिया, मतलब अगर आप 2.5 lakhs वापस 7.5 क्रॉस कर रहे हो तो आपको 15% यहाँ स्ट्रेट अवे 20% के स्लैब में हो, 10 lakh से 10 lakh से 12.5 लाख 20% और 12.5 से 15% 25% और 15 lakh से अबाव जाओगे तो 30%, यहाँ 10 lakh से अबाव जाओगे तो आपको 30% भरना था, यहाँ 15 lakh, तो ऐसे देखने जाओ तो यहाँ हमें क्लियर पता चलता है यहाँ तो हमें ज्यादा फायदा मिल रहा है, यहाँ तो हमें ज्यादा नुकसान है। पर समझते हैं अगर ये इनकम टैक्स में हमें बेनिफिट मिल रहा है तो सामने हमें और कौन सा नुकसान हो रहा है, आगे देखते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो आप जो भी अर्न करोगे, आप चाहे 12,500 टैक्स लगोगे, 12,500 टैक्स लगा आपको या 1,12,000 लगा, उसमें आपको 4% एजुकेशन सेस तो भरना ही है। सेम अभी यहाँ भी है, आप इधर ये स्लैब में, ये स्लैब में, ये स्लैब में, कोई भी स्लैब में जाओ, अगर 1,25,000 भी टैक्स भर रहे हो तो उसमें भी आपको 4% एजुकेशन सेस भरना है। रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, इफ द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 lakh rupees देन रिबेट शैल बी एन अमाउंट इक्वल टू टैक्स पेबल और 12,500 व्हिचएवर इज लेस। व्हाट इट सेज, अगर आप 5 lakh से नीचे अर्न कर रहे हो, ये दोनों स्लैब जो बताए 5 lakh से नीचे अर्न कर रहे हो तो आपको टैक्स रिबेट में निकल जाता है, तो मतलब आपके टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाती है, हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। और फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज ओवर ईयर बाय, अगर जो सैलरीड क्लास है उसके लिए ऑप्शन ओपन रखा है, क्या अगर आप 1 साल न्यू टैक्सेशन में चले जाओ, 1 साल ओल्ड टैक्सेशन में जाओ, ये ऑप्शन ओपन है सैलरीड क्लास के लिए। आगे देखते हैं, अगर हम न्यू स्कीम के अंदर गए तो हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, खास करके सैलरीड क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू समझे तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000 rupees। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाते हो या कुछ भी, आप अगर सैलरीड क्लास हो तो अगर आपकी 5 lakh 5.5 lakh rupees से फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी है, तो 5.5 lakh के अंदर आप अगर फाइल करोगे ना तो ओल्ड स्कीम के अंदर जाके, तो 50,000 आपको स्ट्रेट अवे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिल रहा। तो अगर आप ओल्ड स्कीम के अंदर गए तो 50,000 मिल गया तो 5 lakh की लिमिट में आ गए, 5 lakh की लिमिट में आ गए तो आपका टैक्सेशन जीरो हो गया, जबकि ओल्ड न्यू स्कीम के अंदर आपको टैक्सेशन लगेगा, वो हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। मेडिक्लेम डिडक्शन 25,000, मेडिक्लेम का जो बेनिफिट्स है जो 25,000 फॉर फैमिली है और सीनियर सिटीजन के लिए दूसरे शायद 35,000 के आसपास का है, तो वो भी यहाँ आपको फॉरगो करना पड़ेगा, वो भी आपको नहीं मिलेगा। होम लोन इंटरेस्ट सेक्शन 24D, वहां आपको 2 lakh का टैक्स एग्जम्पशन के लिए आप क्लेम कर सकते हो वाया पेइंग दिस इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट, वो भी आपको न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिलेगा। LIC पेमेंट्स ATC, LIC पेमेंट्स है, ट्यूशन फीस है, होम लोन प्रिंसिपल है, ELSS के ऑप्शंस है, तो ये जो 1.5 lakh तक की आपको जो लिमिट आप बेनिफिट्स उठा सकते हो ओल्ड स्कीम के अंदर, वो भी आपको न्यू स्कीम में नहीं मिलना है। रेंट पेड ATG के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, प्रोफेशनल टैक्स 2,500 तक वो बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंसेस वो भी बेनिफिट्स अगर आप न्यू स्कीम में गए तो नहीं मिलेंगे। तो अगर आप उसको सम टोटल करो तो क्या होता है, 50,000 प्लस 25 75 75 प्लस 2
2,75,000 प्लस 1,50,000 तो 4,25,000। तो अगर जिसकी सैलरी से फॉर एग्जाम्पल 10 लाख 12 लाख या 15 लाख है और जो ये पूरे बेनिफिट्स ले सकता है और अपना टैक्सेशन बर्डन कम कर सकता है, अगर जो वो न्यू स्कीम में गया तो ये 4.5-4.25 लाख तक के बेनिफिट्स को वो इनकम टैक्स में जो क्लेम कर सकता है वो उसके सब चले जाएंगे और उसको स्ट्रेट अवे टैक्स भरना पड़ेगा। एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। अभी ये न्यू स्कीम के अंदर मैंने एक फॉर्मेट किया है कि जे फॉर एग्जाम्पल आपकी सैलरी अगर 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख, 8 लाख या 10 लाख, अगर ये 4-5 स्लैब के अंदर आपकी सैलरी बैठ रही है और आप न्यू स्कीम के अंदर हो तो आपको कैसे टैक्सेशन लगेगा। से फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया रिबेट अंडर सेक्शन 87A मिलना है, तो अगर आपकी सैलरी 5 लाख रुपीज है तो रिबेट 87A के अंदर चला गया, आपकी टैक्सेबल टैक्स क्या है आपका जीरो हो गया। 6 लाख रुपए अगर आप अर्न कर रहे हो और आपको कोई भी इनकम टैक्स के बेनिफिट्स नहीं चाहिए, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, स्ट्रेट अवे समझो, तो आपको जैसे अपने 5 लाख का स्लैब क्रॉस किया तो 12,500 का आपको टैक्स लगना है, प्लस जैसे आप 5 लाख की स्लैब कर रहे हो तो 5 लाख से ऊपर जा रहे हो तो 1 लाख के ऊपर आपको कितना लगना है टैक्स, 10%, 1 लाख पे 10,000 रुपया, तो 12,500 प्लस 10,000 दैट इज 22,500 का आपको टैक्स लगेगा अगर आप न्यू स्कीम में हो और आपको कोई इनकम टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगी। मैं फिर से रिपीटेड कर रहा हूं, आपको इनकम टैक्स में कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिले, आपको स्ट्रेट अवे टैक्स पे करना है। 7 लाख की अगर आपकी इनकम है, एज यूजल कोई बेनिफिट्स नहीं है, 12,500 5 लाख से ऊपर क्रॉस करें आपको भरना है, फिर बचे 2 लाख, 2 लाख के ऊपर आपको 10% भरना है तो दैट इज 20,000, तो 32,500 टैक्स भरना है। अगर आप 8 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, 8 लाख के ऊपर आपको 12,500 भरना है, 5 लाख के ऊपर 7.5 लाख तक आपको 10% भरना है, तो 25,500 पे आपका 10% हुआ 25,000 और दूसरे जो 50,000 एक्स्ट्रा हुए उसके ऊपर 15% भरना है तो 7,500। तो अगर 8 लाख रुपए अर्न कर रहे हो और आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स कुछ नहीं कर रहे हो, ना ELSS भर रहे हो, ना होम लोन भर रहे हो, ना LIC भर रहे हो, ना स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहिए आपको 50,000 का, तो स्ट्रेट अवे 45,000 टैक्स भर दो, सारे इन्वेस्टमेंट सारे कंप्लायंस से मुक्ति। 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हो तो क्या होगा, सिर्फ और एज यूजल कोई टैक्सेशन, कोई इनकम टैक्स, कोई डिडक्शन कुछ नहीं चाहिए, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी आगे रुकती है 75,000 रुपीज में। अभी ये सेम स्लैब्स को हम समझते हैं जाके ओल्ड स्कीम के अंदर और विद डिडक्शन। अब क्या होगा, आप ओल्ड स्कीम के अंदर हो और आपकी इनकम 5 लाख, 6 लाख, 7, 8 या 10, इसी स्लैब के अंदर आप घूम रहे हो, आपने टैक्स सेविंग सेफ और की 5 लाख में आपने 1 रुपया भी टैक्स सेविंग नहीं की, तो आप 5 लाख है एज यूजल, आपने न्यू स्कीम में भी देखा रिबेट मिल जाएगा, यहां भी रिबेट मिल जाएगा, आपका टैक्सेशन जीरो हो गया। अब 6 लाख रुपए अर्न कर रहे हो, 6 लाख में से फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई 6 लाख रुपए अर्न कर रहा है तो कॉमन है कि वो कोई LIC लेके बैठा है, कहीं वो ELSS कुछ कर रहा है, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो फाइनली अर्न कर रहा है, तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन उसका स्ट्रेट अवे कम हो गया, उसके बाद उसका देखा कि या तो ट्यूशन फीस बच्चों की निकल गई या LIC कुछ भर दिया, तो ओवरऑल उसने 1 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट अगर कर दिया तो उसका स्लैब में वो पहुंच गया 5 लाख पे, 5 लाख में पहुंच गया तो रिबेट मिल गया, रिबेट मिल गया तो उसको टैक्स नहीं भरना है। पर अगर हम अगर पुराने स्लैब में देखें तो 6 लाख पे उसको 22,500 टैक्स भरना है, और अगर ओल्ड स्कीम में देखे उसको 1 लाख तक था और क्योंकि सैलरीड है तो 50,000 तो जाना ही है, रहा 50,000 का गैप, तो 50,000 तो कहीं भी इन्वेस्ट कर लेगा तो उसका टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा जीरो। 7 लाख रुपीज अगर अर्न कर रहे हैं, 7 लाख रुपीज अर्न कर रहा है और उसकी सब टैक्स सेविंग्स बढ़ गई है अभी 2 लाख रुपए, अज्यूम कर रहे हैं टैक्स सेविंग, पूरा खेल जो है वो टैक्स सेविंग्स के ऊपर ही है, आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको टैक्स पे लायबिलिटी आनी है, डिफरेंस ज्यादा नहीं है, पर फाइनली आपको लॉन्ग टर्म प्लान करना है, आपको फ्यूचर प्लान करना है। 7 लाख अर्न कर रहे हो, 2 लाख अर्न कर लिया, 2 लाख अपने टैक्स सेविंग्स में डाल दिए, 5 लाख है आपका रिबेट, यहाँ जीरो रिबेट की वजह से आपका टैक्सेशन जीरो हो गया। अब वही देखो, अगर आप 7 लाख रुपीज अर्न कर रहे हो तो आपको 32,500 अर्न करना पड़ेगा, पर उसके लिए 32,500 टैक्स बचाने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है 2 लाख रुपया। अभी अगर आप 7 लाख का हम कैलकुलेशन समझते हैं तो समझते हैं कि भाई उसमें 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन तो ऐसे ही चला गया, एक फैमिली लेके बैठा है बंदा तो उसका मेडिक्लेम होगा, एक फैमिली लेके बैठा है तो उसका LIC होगा, तो कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट अगर 2 लाख भी ना हो ना तभी वो इन्वेस्टमेंट 1 लाख से ऊपर तो क्रॉस होना ही होना है, और अगर वो क्रॉस होना है तो उसको बेनिफिट टैक्सेशन में आना ही आना है, क्योंकि अगर वो ये 2 लाख की जगह पे वो 1.5 लाख भी कर रहा है ना तभी समझो उसका 5.5 लाख हुआ, और 5.5 लाख हुआ तो उसको टैक्स कितना आएगा, 12,500 प्लस उसको टैक्स लगेगा, डिफरेंस 5,000 पे 20,000, तो उसको 10-12 से 15,000 के आसपास टैक्स आएगा, पर उसके सामने उसका इन्वेस्टमेंट्स और ये सब उसका कॉर्पस खड़ा होता जाएगा लाइक लॉन्ग टर्म। 8 लाख रुपए अर्न कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है अराउंड 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अगर सोच टैक्स सेविंग कर रहा है 6 लाख, 6 लाख पे अगर देखो तो पहले स्लैब से तो जीरो हो गया, दूसरे स्लैब में अगर जाएंगे तो 5% उसको लगना है 12,500 का स्लैब में अप टू 5 लाख वाले में, तो 12,500 ये लगे
5 लाख जब ये क्रॉस कर रहे हैं तो बचे 1 लाख रुपए, 1 लाख पे उसको 20% स्टेट अवे भरना है, तो वो आया 20,000, 32,500 का उसको टैक्स भरना है। यही 8 लाख वाला बंदा अगर वो जाता है न्यू स्कीम के अंदर, उसको टैक्स आ रहा है 45,000, इन्वेस्टमेंट इज जीरो। ध्यान से देखना, 8 लाख रुपए टैक्स है, 2 लाख रुपए जब बचत कर रहा है तो उसको टैक्स आ रहा है 32,500। अगर 2 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसको 32,500 भरना है और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट उसको 45,000 भरना है, व्हाट इज द गैप? सिर्फ 12,500 रुपए का। ये डिसीजन एज अ इंडिविजुअल लेना है, ये कोई आपको सीए भी गाइड नहीं कर सकता, कोई प्रोफेशनल भी गाइड नहीं कर सकता। ये आपको अपनी फ्यूचर प्लानिंग करनी है कि भाई मुझे लॉन्ग टर्म के लिए कॉर्पस जमा करना है या मुझे टैक्स भर के निकल जाना है। डिसीजन इंडिविजुअल होगा, ना कि कोई आप प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हो। हाँ, ये है, आपको अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, आपकी फ्यूचर प्लानिंग आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको किस तरह से चलना है। 10 लाख रुपए वाला कमाने वाला बंदा से फॉर एग्जांपल 3 लाख तक का बेनिफिट उठा रहा है, वो होम लोन का इंटरेस्ट भी भर रहा है, वो होम लोन पे भी कर रहा है, वो स्टैंडर्ड टैक्स में बेनिफिट ले रहा है, उस हिसाब से अज्यूम कर रहा हूं कि वो 3 लाख तक का इन्वेस्टमेंट कर रहा है। 3 लाख तक का अगर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसका टैक्स लायबिलिटी आकर रुकेगा 52,500 रुपीज। अगर आप न्यू स्कीम के अंदर जाओगे तो उसकी इन्वेस्टमेंट स्कीम आ रही है, उसका टैक्सेशन बढ़ाना आ रहा है 75,000 रुपीज। यहां अगर आप देखोगे तो उसका टैक्सेशन बढ़ाना आ रहा है 52,000 रुपीज, तो अराउंड वो बचा रहा है 20,000। पर उसके सामने वो टैक्स कितना, सेविंग्स कितनी कर रहा है 3 लाख रुपए की। 3 लाख की सेविंग करने के बाद 20,000 रुपए आप टैक्स बचा रहे हो, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको भाई 75,000 भरना है या 52,500 भर के निकलना है और 3 लाख की सेविंग्स करनी है। आगे देखते हैं। अगर नटसन समझे, ओल्ड स्कीम इज गुड फॉर सैलरीड क्लास, जो स्टैंडर्ड डिडक्शंस ले रहे हैं, जो होम लोन में घुसे हुए हैं, जो ELSS भर रहे हैं, जो LIC भर रहे हैं, उनके लिए मैं प्रीफर करूंगा ओल्ड स्कीम। ओल्ड स्कीम उसके लिए अच्छी है जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करके पैसा रोक रहा है, तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर ही जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर जाएगा तो उसका कॉर्पस भी खड़ा होगा और वो रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है। फाइनली देखेंगे तो डिसीजन इज प्योरली रेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यही मैंने आगे भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, जो पूरा डिसीजन है वो आपका रहेगा इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपका टैक्स बर्डन इस हिसाब से कम होगा, नहीं कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा फर्क क्या पड़ेगा, 15,000-25,000 का, पर उसके सामने आपका कॉर्पस जो खड़ा होना है लॉन्ग टर्म वो आपका नहीं होगा। अगर देखे ओल्ड स्कीम किनके लिए है, जो बेचारा कोई घर खरीदना चाहता है, जो अपना घर बनाना चाहता है, जो मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए, अभी आज की दिन में अगर देखे तो कोरोना काल के अंदर जो मेडिक्लेम जितनी हेल्पफुल हुआ है वो किसी ने कम नहीं किया। जो अगर वो 25,000 रुपीज का एक मेडिक्लेम ले रहा है ना, तो उसके सामने उसका दिन का 25,000 जो हॉस्पिटल में जा रहा है वो उसका बच रहा है, तो मेडिक्लेम अच्छा ऑप्शन है। जो डिसीजन ले रहा है, जिसने मेडिक्लेम किया हुआ है, वो फायदेमंद है, तो वही बोलूंगा ओल्ड स्कीम बेटर है। जो लॉन्ग टर्म सोच रहा है, जो फैमिली के लिए सोच रहा है, उसके लिए ओल्ड स्कीम है। पेंशन, जो सोच रहा है कि भाई रिटायर होगा तो कुछ वेल्थ क्रिएट हो जाएगी तो काम आएगी, उसके लिए ओल्ड स्कीम है। जो सोच रहा है कि बच्चों के एजुकेशन कॉलेज, उसके लिए काम आएगा। जो सोच रहा है कि फैमिली को कहीं वैकेशन पे लेके जाऊं तो उसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट करके रखो, उसके लिए ओल्ड स्कीम है। बाकी एज यूजल पार्टी करो, मजे करो, न्यू स्कीम भरो, टैक्स भर दो और फ्री हो जाओ। एज यूजल वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि ओल्ड स्कीम में सिलेक्ट करें या न्यू स्कीम सिलेक्ट की जाए। बाकी अगर कुछ क्वेरी कॉन्टेक्ट कंफ्यूजन हो तो कॉन्टेक्ट करने के लिए अवेलेबल है, ये हमारे ऑफिस एड्रेस है और ये मेरा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।